सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म अपडेट। इस शो में मैं बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन 4 के बारे में और वेनम 3। सो वेनम 3 की मूवी के अंदर आपको दो क्रेडिट सीन्स देखने मिलने वाले हैं। ऐसे काफी सारे लीक्स और रूमर्स इंटरनेट पर सर्कुलेट कर रहे हैं, तो आखिर ये दो क्रेडिट सीन्स क्या होंगे इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 के प्लॉट के बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इस मूवी का मेन विलन और कोई नहीं बल्कि नल होगा। इसके अलावा नल को कौन प्ले कर रहा है इससे रिलेटेड भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज अभी इंटरनेट पर सामने आई है, जहां पर हमें यह पता चला है कि नल के कैरेक्टर को और कोई नहीं बल्कि एंडी सर्कस प्ले कर रहे हैं, जो कि अपने काफी सारे सीजीआई रिलेटेड रोल्स के लिए फेमस है। एंडी सर्कस ने वेनम लेट देयर बी कार्नेज को डायरेक्ट भी किया था। एंडी सर्कस इस फ्रेंचाइज को काफी अच्छे से जानते भी हैं और उन्होंने मार्वल और डीसी दोनों के साथ काम करके रखा है, तो एंडी सर्कस आई थिंक एक काफी अच्छे चॉइस है फॉर अ करेक्टर लाइक नल। बाकी क्या स्पाइडरमैन 4 का टाइटल किंग इन ब्लैक ही होगा ये कहना मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि क्या स्पाइडरमैन 4 के अंदर ही नल को एज अ मेन विलन दिखा दिया जाएगा, पर आई थिंक वेनम 3 इस चीज को सट्टा जरूर कर रही है। आई होप कि नल के कैरेक्टर को मल्टीपल मूवीज के अंदर दिखाया जाए और सिर्फ स्पाइडरमैन 4 के अंदर उसे दिखा के मार ना दिया जाए। बाकी डेफिनेटली वेनम 3 स्पाइडरमैन 4 की तरफ बिल्ड जरूर कर रही है और नल एज अ मेन विलन की तरफ बिल्ड जरूर कर रही है इन स्पाइडरमैन 4। इसके अलावा स्पाइडरमैन 4 के अंदर आपको एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड का वेनम दोनों दिखेगा, इसकी भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि बेसिकली नो वे होम के अंदर भी एंड्रू गारफील्ड कैरेक्टर ये कह रहा था कि उसे एक एलियन से फाइट करनी है, और ये चीज आई थिंक स्पाइडरमैन 4 में सच साबित हो सकती है फॉर एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन 4 की मूवी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे के बीच में निकलेगी, और सोनी के ये प्लान है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद भी वो मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट्स को अपनी मूवीज के अंदर या अपने फ्रेंचाइज के अंदर कम से कम जिंदा रखे। और मार्वल जैसे मल्टीवर्सल सागर से दूर जाना चाहती है आफ्टर सीक्रेट वॉर्स, सोनी वैसा नहीं करेगी, इसलिए ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि स्पाइडरमैन 4 के बाद भी नल का करेक्टर आपको फ्यूचर में दिखे इन स्पाइडरमैन 5 और 6 ऐसी मूवीज के अंदर भी। बाकी आप स्पाइडरमैन 4 के लिए कितने एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट्स में बताना भूलें। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दौरान वेनम 3 के डायरेक्टर ने VIGN ये कंफर्म किया कि नल का करेक्टर सिर्फ एक मूवी में लिमिटेड नहीं होने वाला है और आपको नल मल्टीपल मूवीज में देखने मिलने वाला है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया है कि नल का करेक्टर आपको इस मूवी के क्रेडिट सीन में भी मूव कर देखने मिलेगा, सेटिंग अप द नेक्स्ट मूवी इन विच नल विल अपीयर, दैट प्रोबेबली विल बी स्पाइडरमैन 4। इसके अलावा जो दूसरा क्रेडिट सीन है उस क्रेडिट सीन के अंदर हो सकता है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का एक कैमियो आपको देखने मिल जाए, जिससे रिलेटेड रूमर्स भी काफी दोनों से इंटरनेट पर चल रहे थे, जहाँ पे ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे थे कि टॉम हॉलैंड ने टॉम हार्डी के साथ न्यूयॉर्क के अंदर कुछ सीन्स शूट किए हैं, तो आपको टॉम हॉलैंड का एक कैमियो देखने मिल सकता है वेनम 3 क्रेडिट सीन के अंदर। आप इस मूवी के अंदर किन क्रेडिट सीन्स को देखना चाहते हो और क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस मूवी से, ये मुझे कमेंट्स में बताना भूले। बाकी इस वीडियो को इतना ही, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।